विधानसभा चुनाव नजदीक होते हुए सभी पार्टियों ने अपने अपने हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। इस प्रकार 252 मंझनपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज ने अपने तमाम समर्थकों के साथ कादिराबाद और भाईला मखदूमपुर के साथ दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों से मिलकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। लोगों में सपा पार्टी की सरकार बनाने को लेकर उत्सुकता देखने को मिली। पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज के पीछे हजारों की संख्या में गांव-गांव और गली-गली में भीड़ देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करें, जिससे विकास के रास्ते साफ हो सके। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिजली, राशन और नौकरी फ्री में दी जाएगी। इस मौके पर अल्पसंख्यक विधानसभा अध्यक्ष अल्ताफ शेख और कुलदीप सिंह सेंगर ने तमाम समर्थकों को लेकर इंद्रजीत सरोज के साथ जनसंपर्क किया। आइए देखते हैं पूरा मामला। जीबीएन 24 से धर्मेंद्र दिवाकर की एक खास रिपोर्ट।